नीति आयोग ने कुपोषण के मामले में बहराइच को देश का नंबर वन कुपोषित जिला बताकर एक बार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई बाल घोषित योजनाओं की धज्जियां उड़ा दी है। नीति आयोग को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें अभी भी बहराइच में कुपोषण के शिकार बच्चे बताए गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन की माने तो जिले में कुछ गाँव में कुपोषित की श्रेणी में आते हैं, लेकिन वहाँ के बच्चों के लिए विशेष योजनाएं संचालित कर स्वास्थ्य करने का कार्य किया जा रहा है। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने मंगलवार को नेशनल न्यूट्रिशियन कैंटीन के रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में आयोग ने देश को कुपोषण को मुक्त करने की योजना पेश की है, साथ ही 2022 तक कुपोषण के शिकार बच्चों के अनुपात में कमी लाने का संकल्प भी व्यक्त किया। आयोग ने इस रिपोर्ट में देश के सर्वाधिक 100 कुपोषित जिलों की सूची भी दी है, जिसमें पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के 3 जिले बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर है। डीएम साहब, बहराइच में इस समय कुपोषण जो है वो काफ़ी आगे है। देश में बहराइच का जो स्थान है वो पहला स्थान आया है कुपोषण में। क्या वजह है कि अभी तक बहराइच से कुपोषण हटाया नहीं जा सका है, उसके लिए जिला प्रशासन क्या व्यवस्था कर रहा है? देखिए, ऐसा है कि कुपोषण एक ऐसी समस्या है जो कि जागरूकता से जुड़ी हुई है। यदि बच्चा कुपोषित है तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उसकी माता पिता ने उसका प्रॉपर ध्यान नहीं रखा है। उसके कई कारण हो सकते हैं, अनभिज्ञता और अज्ञान हो सकता है, उसका कारण निर्धनता भी हो सकता है। लेकिन चूँकि सरकार की तरफ से कुपोषण से लड़ने के लिए पूरी व्यवस्था उपलब्ध है, आंगनबाड़ी केंद्र हैं, वहाँ पुष्टाहार का वितरण 5, 15 और 25 तारीख को नियमित तौर पर किया जा रहा है, और इसका सत्यापन भी मैं जब भी गांव में जा रहा हूं तो इसका सत्यापन भी मैं करता हूं कि कितने बच्चे वहाँ रजिस्टर्ड हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं और पोषाहार का वितरण हुआ है हुआ नहीं हुआ है। सभी जगह ये जानकारी प्राप्त हो रही है कि पोषाहार का वितरण हो रहा है, लेकिन जो माँ हैं उनमें इतनी सजगता नहीं है कि अपने बच्चे को उसका पूरा उपयोग कराएँ, यही एक कारण हो सकता है। वर्तमान में इस जनपद में 55,000 बच्चे पूर्व में जो है जब ये अभियान शुरू हुआ था तो चिन्हित किए गए थे, और अभी भी लगभग जो है 41-42 हज़ार बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। उस दिशा में कार्रवाई हो रही है और माताओं को प्रेरित करने के लिए जहाँ भी मैं जन चौपाल लगा रहा हूँ वहाँ पर मैं जो स्वस्थ बच्चे हैं उनको भी अपने सामने बुलवाता हूँ, भीड़ के सामने ही दिखाने के लिए, देखिए ये माँ है, इसने बहुत अच्छा अपने बच्चे की देख रेख किया, नियमित टीकाकरण कराया है और साथ ही में बच्चे को स्वस्थ रखा है, उसको साफ सुथरा रखा है। तो और अभी मैं किसी गाँव में था, वहाँ उस बच्चे को मैंने गोद में भी लिया, उसकी किसी समाचार पत्र ने फोटो भी उसकी छापी थी, और ऐसी माओं को हम जो है प्रेरित भी कर रहे हैं जो बच्चों को स्वस्थ रख रहे हैं, और साथ में उन बच्चों को भी बुलवा रहे हैं जिनका वजन कम है, जो एनीमिया से प्रभावित है या किसी अन्य रोग से प्रभावित है। जिला चिकित्सालय में NRC न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर भी सरकार की तरफ से संचालित किया जा रहा है, जिसमें 10 बेड हैं, और अभी मैं गया था तो वहाँ पर भी मैंने उसको देखा था, और बच्चों की देख रेख हो रही है। इसमें जो मुख्य बिंदु है वो जागरूकता का है कि महिलाओं को और अभिभावकों को जागरूक किया जाए कि बच्चे अभी कुपोषित हैं तो उसको अस्पताल तक ले आएं और उसका नियमित टीकाकरण करें, आंगनबाड़ी केंद्र तक उसको पहुंचाएं, और जो पुष्टाहार उपलब्ध कराया जा रहा है उसको इस ढंग से पकाकर बच्चे को सेवित कराएं, उसको खिलाएं, बच्चों को भी वो स्वादिष्ट लगे और उनको उनके शरीर को भी उसमें पोषण प्राप्त हो। सर, जिस गांव में कुपोषित बच्चे हैं वहां पे जाकर जानने पे ये पता चला है कि जब वो बच्चों को इलाज के लिए जब लेकर के आते हैं अस्पताल में तो सुबह थोड़े देर के लिए ही तो उनको रखा जाता है, उसके बाद उनको भगा दिया जाता है, जबकि इस पर CMO से जब बात की गई तो उन्होंने नानुकूल की, उसके बाद उन्होंने छुट्टी का हवाला दिया। आपके द्वारा क्या जानकारी ली गई इसकी? नहीं, मैं तो जब अस्पताल में विजिट किया था मैंने टिकट हुआ तो वहाँ 50 बच्चे थे, 50ों को मैंने दिखवाया था, CMO CMS तभी सभी बाल रोग विशेषज्ञ भी मौजूद थे, ऐसी बात संज्ञान में नहीं आई है। इतना अवश्य है कि बच्चे जब ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है बीमारी से तब थोड़ा विलम्ब से यहाँ लाए जाते हैं, कुछ लोगों ने बताया 10 दिन के बुखार के बाद बच्चे को लेके आए, और जो है कुछ डिलीवरी में भी जो है समय से डिलीवरी न कराने की या सिजेरियन को अवॉइड करने के कारण भी कभी कभी बच्चों में स्थिति आ रही है कि बच्चे एस्पेसिया के शिकार हो जा रहे हैं और उनके जीवन को बचाना जो है कठिन हो जाता है डॉक्टर्स के लिए। लेकिन फिर भी जो है व्यवस्थाओं में सुधार के भी मैंने निर्देश दिए हैं, डॉक्टर्स की सेंसिटिविटी वो भी मैंने जगाया है, और हम समझते हैं कि आगामी दिनों में इसमें हम अच्छा सुधार कर पाएंगे। साहब, नीति आयोग के पत्र में बहराइच नंबर एक पे है, तो ऐसे कहीं ना कहीं कमी तो पाई गई है जिससे जो है कुपोषित में बच्चे नंबर एक पे बहराइच है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रशासन की भी कमी रही है इसमें? नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। ये जब से अभियान चला है तब से मैंने बताया कि 13,000 बच्चों को कुपोषण से हमने मुक्त किया है, और अभी भी हमने
145 गांव चिन्हित किए हैं जिनको अधिकारियों को गोद दिया है और उनको हम कुपोषण मुक्त कराने की दिशा में प्रयास करें। फिर कहाँ से कमी रहेगी जो 100 सबसे नंबर एक पे बहराइच कुपोषित हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं किसने सर्वे किया मेरी जानकारी में नहीं है और इसका भी हम संज्ञान लेंगे। SPN 9 न्यूज के लिए बहराइच से गौरव पटवा की रिपोर्ट।